भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झाबुआ एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, झाबुआ एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है, सीएस और डीजीपी को निर्देश दिया गया है। तो सीएस और डीजीपी को निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। झाबुआ एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री ने दिया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएस और डीजीपी को निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर भोपाल से सामने आई, जहां झाबुआ एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, क्या बड़ी वजह एसपी को हटाने का आदेश जो है मुख्यमंत्री ने दिया है? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह समीक्षा बैठक ली थी, उसमें सामने आया था कि आदिवासी जिला झाबुआ में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने नाराजगी जताई थी और वहां के जो एसपी हैं अरविंद तिवारी, उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही है। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि जो एसपी जिला एसपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर, जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोलता रहा है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको लेके आज ये एक्शन मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं। तो बिल्कुल, कानून व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, इसके तहत ये आदेश जो है वो दिया गया है। और ये भी समझना चाहेंगे दिनेश, क्या जिस तरह से एसपी को हटाया जा रहा है उसके बाद और बड़े अधिकारी या नीचे लेवल के अधिकारियों की बात करें उन पर भी गाज गिरने की संभावना है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें करते रहते हैं और आज उन्होंने सुबह सुबह ही समीक्षा बैठक की थी, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है लगातार हमलावर है। भोपाल में भी एक बच्ची के साथ घटना आई थी और इस तरह के और कई मामले प्रदेश में आए थे, स्कूल में बच्ची के मामले में, और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है और यही कारण है कि अब जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। तो बिल्कुल, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खासतौर से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। बने रहिए आप हमारे साथ दिनेश।